हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सिंधिया और आज मैं आपके लिए लेके आई द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हाउ टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सिंपल एंड इफेक्टिव वे। एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको लेटेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट्स पहले मिले। सो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन, दैट इज हाउ टू क्रैक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सिंपल एंड इफेक्टिव वे। आज की वीडियो में मैं ऐसे टोटल 8 ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इजीली एंड आसानी से सॉल्व कर पाओ। सो ट्रिक नंबर 1, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यस, आपने टर्म तो सुना होगा, प्रोवर्ब सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब तक आप ऑब्जेक्टिव बैंक या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व योर ऑब्जेक्टिव बैंक मेनी टाइम्स। आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी एज अ स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव बैंक प्रैक्टिस कहाँ से करें। सो इट इज मोस्ट सिंपल आंसर, आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज इज गिवन जहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव आर देयर and that objectives are enough to score more and more marks in your board exam। तो आपको वही ऑब्जेक्टिव बैंक को कवर अप करना है। आपको एक टारगेट सेट करना है कि आपका डे 1 एंड 1 चैप्टर शुड कंप्लीट। तो हर दिन में आपको एक एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बैंक कवर करना है और कहां से भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करना है एंड बार बार उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। ट्रिक नंबर 2, दैट इज यू हैव टू अवॉइड नॉर्थ साउथ ऑप्शंस। यस, अभी कभी कभी आपके हाथ में जब पेपर आता है और आप ऑब्जेक्टिव बैंक को पढ़ना शुरू करते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हो, तो उसमें सर्टेन ऑप्शंस दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस आ गिवन, उसमें से सर्टेन ऑप्शंस होते 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस होते जो बिल्कुल भी क्वेश्चन को रिलेट नहीं करते, विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। तो अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे ऑप्शंस दिखते जो बिल्कुल भी क्वेश्चन से मैच नहीं करते, तो आपको उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मतलब आपको पहले सिलेक्ट करना है कि 4 ऑप्शंस है उसमें से ए बी सी डी, उसमें से सी एंड डी है जो आपको लगता ही नहीं है कि वो आंसर होगा, तो वो एकदम अनरिलेटेड है, तो आप उसको क्या करोगे, डायरेक्टली कैंसिल कर दोगे। तो आपके पास अभी ए और बी बचा, तो उसमें से आपको फिर सिलेक्ट करना है कि आपके हिसाब से वो आंसर क्या होगा। सो आपके लिए एटलीस्ट टेंशन कम हो जाएगा, आपका पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर का जो करेक्टनेस है वो ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड। एंड द थर्ड ट्रिक, दैट इज गोल्डन ऑप्शंस। यस, अभी जब भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आता है तो मेनी टाइम आप लोग ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शंस होते, उसमें जो लास्ट ऑप्शन होता है आइदर ऑल ऑफ द अबव होता है या नन ऑफ द अबव होता है। तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो मेनी टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट कि आपका जो लास्ट ऑप्शन होता है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, वही आपको आंसर करेक्ट होता है। सो आप अगर कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट यू कैन मेक अ गेस वर्क, और ये जो गेस वर्क है आपका करेक्ट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे मेनी टाइम ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लास्ट ऑप्शन होता है वो आइदर ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, अब वही उसका आंसर होता है। ट्रिक नंबर 4, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई की वर्ड्स। यस, कभी कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें ही आंसर छुपा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मेनी टाइम्स। आपको एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी में आपका आंसर छुपा होता है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट की वर्ड्स एंड यू हैव टू कंपेयर दैट की वर्ड्स विद योर ऑप्शंस। तो आप कंपैरिजन करना शुरू करो कि आपके कीवर्ड्स और ऑप्शन में उसका कोई रिलेशन है कि नहीं, एंड देन यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शन जिससे आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। ट्रिक नंबर 5, दैट इज यू हैव टू अवॉइड द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शन। कभी कभी जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है ऑप्शन में, तो अगर ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तो वो ऑप्शन को भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। तो इससे आपके पास जो ऑप्शंस बचेगा वो कम बचेगा और उसमें से आप करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे।
ट्रिक नंबर 6 दैट इज 4 ऑप्शंस। यस फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में ऐसे 4 ऑप्शंस है ए बी सी डी तो इट इज ऑब्जर्व मेनी टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो करेक्ट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप डेफिनेटली किसके साथ जा सकते हो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हो तो आपका वो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। और अगर आपके पेपर में ऐसे 5 ऑप्शंस है ए बी सी डी ई तो यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन दैट इज ई। तो अगेन इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो लास्ट ई ऑप्शन होता है वो आपका आंसर होता है चांसेस ऑफ दैट लास्ट ऑप्शन इज मोर एंड मोर। एंड द लास्ट ट्रिक दैट इज ट्रिक नंबर 8 दैट इज आपके पेपर में ट्रू और फॉल्स भी आते हैं एंड ट्रू और फॉल्स ऐसे होते हैं आइदर ट्रू लिखना होता है या आइदर फॉल्स लिखना होता है बट एज अ स्टूडेंट हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। सो इसमें भी आपको एक ट्रिक यूज करना है मेनी टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट कि आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो ट्रू होता है। तो बहुत बार जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है आपका ऑप्शन ट्रू होता है। तो अगर आपको ट्रू ऑफ फॉल्स है और अगर आपको नहीं पता करेक्ट आंसर तो आप किसके साथ जाओगे ट्रू के साथ जाओगे। सो आई होप आज मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया है आप उसको गेस वर्क भी बोल सकते हो एक एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो। अगर आप ये ट्रिक्स को यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको करेक्ट मार्क्स मिल सकता है करेक्ट आंसर मिल सकते हैं। तो पेपर छोड़ने से अच्छा हम ये ट्रिक्स को अप्लाई करें और पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर और पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस को ज्यादा ला सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि आपको जो मैंने ट्रिक्स बताए आप उसको अप्लाई करोगे एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल है या आपको कुछ सीखने मिल रहा है कुछ वैल्यू मिल रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट के साथ आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं और आपको इसी तरह मैं गाइड करते रहूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग स्टे ट्यून्ड।